इसके जीते जागते उदाहरण है। जब वो रेल मंत्री थे तो अटल जी ने उनका शिलान्यास किया था। उनके गिराने के बाद दोनों पुलों पर काम लगभग ठप पड़ गया। 2014 में एनडीए सरकार आने के बाद इन पुलों के काम में तेजी आई और मेरे द्वारा उनका लोकार्पण किया गया। साथियों, महामिलावट के घटक सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, उन्हें देश की कोई परवाह नहीं है, न वो देश की परवाह करते हैं। यही सीख हमें उनके इतिहास और उनके वर्तमान से मिली है। साथियों, आप सभी इस बात के साक्षी हैं कि जब हमारे देश की सक्षम सेना आतंक को कुचलने में जुटी है, सीमा के भीतर हो या सीमा पार, आतंक के ठिकानों पर प्रहार करने में लगी है, ऐसे समय में देश के भीतर ही कुछ लोग क्या क्या कर रहे हैं, देश की आवाज को, हमारी सेना के हौसलों को बुलंद करने के बजाय वे ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे दुश्मनों के चेहरे खिल रहे हैं। पाकिस्तान में टीवी पर उनकी बातें, उनकी तस्वीरें दिखा दिखाकर पाकिस्तान में तालियां बज रही है। साथियों, जब आतंकी फैक्ट्री चलाने वालों के खिलाफ एक सुर से, एक स्वर से बात करने की जरूरत थी, तब दिल्ली में 21 पार्टियां मिलकर के केंद्र की एनडीए सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करने के लिए इकट्ठी हुई थी। बिहार का, देश का कोई भी सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति उनके उस कृत्य को कभी भी माफ नहीं करेगा। करेगा क्या? माफ करेगा क्या? क्या ऐसे समय पाकिस्तान खुश हो ऐसी भाषा बोलनी चाहिए क्या? क्या पाकिस्तान में तालियां बजे ऐसा पाप यहां करना चाहिए क्या? क्या ये शोभा देता है क्या? अब इन्हीं दलों के नेता हमारे वीर जवानों ने जो पराक्रम दिखाया उस पर संदेह कर रहे हैं। इसके जीते जागते उदाहरण है। जब वो रेल मंत्री थे तो अटल जी ने उनका शिलान्यास किया था। उनके गिराने के बाद दोनों पुलों पर काम लगभग ठप पड़ गया। 2014 में एनडीए सरकार आने के बाद इन पुलों के काम में तेजी आई और मेरे द्वारा उनका लोकार्पण किया गया। साथियों, महामिलावट के घटक सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, उन्हें देश की कोई परवाह नहीं है, न वो देश की परवाह करते हैं। यही सीख हमें उनके इतिहास और उनके वर्तमान से मिली है। साथियों, आप सभी इस बात के साक्षी हैं कि जब हमारे देश की सक्षम सेना आतंक को कुचलने में जुटी है, सीमा के भीतर हो
या सीमा पार आतंक के ठिकानों पर प्रहार करने में लगी है। ऐसे समय में देश के भीतर ही कुछ लोग क्या क्या कर रहे हैं, देश की आवाज को, हमारी सेना के हौसलों को बुलंद करने के बजाय वे ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे दुश्मनों के चेहरे खिल रहे हैं। पाकिस्तान में टीवी पर उनकी बातें, उनकी तस्वीरें दिखा दिखाकर पाकिस्तान में तालियां बज रही है। साथियों, जब आतंकी फैक्ट्री चलाने वालों के खिलाफ पता कम पड़ रहा है तो उन्होंने कहा, मोदी जी बताइए मैं क्या करूं। मैंने कहा, भारत का कोटा बढ़ा दीजिए और आपको खुशी होगी, 2 लाख कर दिया। 2 लाख दुनिया में किसी भी देश का कोटा नहीं बढ़ा, हमारे देश के मुसलमान हज यात्रा कर सके इसलिए कोटा बढ़ गया। ये भारत की आवाज सुनी जा रही है। इतना ही नहीं, मैंने दूसरी बात कही, मैंने क्राउन प्रिंस से कहा कि भारत के नौजवान सऊदी अरेबिया में रोजी रोटी कमाने आते हैं, मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, ज्यादातर हमारे गरीब परिवारों से होते हैं, भले भोले लोग होते हैं, मेहनत करते हैं, ज्यादातर मेरे मुसलमान परिवारों से होते हैं। अब उनसे कुछ छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, उनको वहां के कानून का पालन नहीं पता होता है और बेचारे जेल चले जाते हैं और सालों तक जेल में रहते हैं। मैंने कहा, मुझे आपकी मदद चाहिए। उन्होंने कहा, क्या चाहिए? मैंने कहा, जल्दी से उनका केस चले और उनको जेल से रिहाई कर दिया जाए। उन्होंने कहा, मोदी जी आपने कहा है ना, मैं आज आपको शाम तक जवाब दे दूंगा। आप हैरान हो जाएंगे, सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस शाम को राष्ट्रपति भवन में जब हम डिनर पर बैठे थे तो उन्होंने कहा, मोदी जी तो कुछ मीठा खा लो। मैंने कहा, किस बात का? बोले, सऊदी की जेल में भारत के जो 850 लोग थे उनको छोड़ने का मैंने फैसला कर लिया। ये होता है दुनिया के साथ नाता भाई। मैं इन फैसलों के लिए सऊदी अरब को, क्राउन प्रिंस को हृदयपूर्वक धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, साथियों, ये विदेश में भारत के बढ़ते प्रभाव दूसरे देशों के साथ मजबूत होते हमारे रिश्तों का एक और उदाहरण है। लेकिन ये इसका भी उदाहरण है कि पहले कांग्रेस और उसके साथियों ने किस तरह से देश चलाया है। वोट लेकर के भूल जाने वाले ऐसे लोगों को अब भली भांति देश पहचान गया है। पहचान गए हो कि नहीं हो? अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए राजनीति करने वालों के पास मोदी को गाली देते रहने के सिवाय और कोई काम नहीं बचा है। मेरे प्यारे बिहार के भाइयों बहनों और मेरे देश के भाइयों बहनों, आप चीजों को बारीकी से देखिए, चीजों को समझने का प्रयास कीजिए, क्या चल रहा है आजकल। साथियों, वे कहते हैं कि आओ मिलकर मोदी को खत्म करें,
वे कहते हैं आओ मिलकर के मोदी को खत्म करें, और मोदी कहता है आओ हम सब एक होकर आतंकवाद को खत्म करें। आप मुझे बताइए आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आतंकवाद को खत्म करना प्राथमिकता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन उनकी प्राथमिकता है मोदी को खत्म करो, मेरी प्राथमिकता है आतंकवाद खत्म करो। वे कहते हैं कि आओ मिलकर के मोदी को खत्म करो, मैं कहता हूं आओ मिलकर गरीबी का मुकाबला करें, देश को गरीबी से मुक्त करें। वे कहते हैं कि आओ मिलकर मोदी को खत्म करें, मैं कहता हूं आओ हम सब एक होकर भ्रष्टाचार और काले धन को समाप्त करें। वे कहते हैं कि आओ मिलकर मोदी को खत्म करें, मैं कहता हूं कि आओ हम सब मिलकर देश के नौजवानों के लिए नए अवसर बनाए, उनके सपने पूरे करें, इसके लिए काम करें। वे कहते हैं कि आओ मिलकर मोदी को खत्म करें, मैं कहता हूं आओ सब मिलकर के देश में कुपोषण को खत्म करें, गंदगी को खत्म करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नियत नियत का फर्क है। साथियों, अपने देश को विश्व में नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए मैं दिन रात एक कर रहा हूं, नए रास्ते बना रहा हूं, और मुझे ही रास्ते से हटा देने के लिए काम कर रहे हैं, साजिशें रच रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, बिहार के लोग, देश के लोग इतने जागरूक हैं कि इनकी सारी बातें एक के बाद एक देश के सामने अब आ चुकी है। देश के लोग मन बना चुके हैं कि इन्हें एक बार फिर सजा देंगे, उनकी गलतियों का एहसास कराएंगे। ये अपनी राजनीति करते रहे, हम देश के विकास के लक्ष्य को लेकर निरंतर आगे बढ़ेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर से इतनी बड़ी तादाद में आकर के हम सबको जो आशीर्वाद दिए, मैं हृदय पूर्वक आपका अभिनंदन करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। Yeah,